मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब साल 1975 को देश में लगे आपातकाल के संघर्ष को पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आपातकाल के संघर्ष को स्कूली सिलेबस में शामिल किया जाएगा। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। अंत्येष्टि के लिए 8,000 रुपए की राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। सीएम ने ये घोषणा सीएम हाउस में आयोजित मीसाबंदी सम्मेलन में की। इसमें प्रदेश भर के 750 मीसाबंदी और उनके परिवार के लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री यादव ने फूल बरसाकर मीसाबंदियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मीसाबंदियों ने आपातकाल और जेल जाने के किस्से भी सुनाए। लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक खेलने की छूट दो, बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं। इसमें क्या दिक्कत है? आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। आपने क्या वर्तमान में अनेक जीवंत दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र से रह गए? तो हमने कहा सबको देंगे, कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाई कर लेंगे, उन सबको ताम्रपत्र देंगे। आपने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को पत्रकारों के समान लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी, इसमें भी कोई मना नहीं है। आप किसी टोल नाके पे जाए, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा, आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। इस एयर टैक्सी की सुविधा में अगर आप उसमें आना जाना चाहोगे तो आपको भी 25% की छूट सरकार के द्वारा देने की घोषणा करेंगे। आकस्मिक रूप से जल्दी आना है तो एयर टैक्सी में आपको भी सुविधा देंगे। इसमें 8,000 रुपए अंत्येष्टि में मिलते हैं, अब 10,000 रुपए अंत्येष्टि के समय देने की व्यवस्था शासन के द्वारा की जाएगी। आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में। वो इमरजेंसी का संघर्ष तो स्मरण रखना ही है। लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन के लिए सीएम हाउस में आए मीसाबंदी रहे तपन भौमिक का बड़ा दावा। उनका कहना था कि इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के कई नेता भी जेल गए। भौमिक ने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा, के मिश्रा के अलावा कई कांग्रेसी नेता तब जेल में कुछ दिन रहे। तपन भौमिक ने कहा कि नेता जेल क्यों गए इनको बताना चाहिए। भौमिक ने कांग्रेस के 11 बड़े नेताओं के नाम गिनाए जो इमरजेंसी के दौरान जेल गए। प्रवक्ता है कांग्रेस के, बड़े भारी नेता है, उनसे पूछो कि आप जेल में थे कि नहीं थे। तो थे, तो थे क्या? वो विश्व हिंदू परिषद के थे, वो संघ के संसेवक थे, के मिश्रा वो विद्यार्थी परिषद के थे, तो काय में नहीं थे, वो कांग्रेस में थे, छात्र नेता होंगे, तो हम तो कह रहे हैं कि जेल में थे। हमने तो ये नहीं कहा कि वो बदमाश थे कि क्या थे, जेल में थे तो थे। सज्जन सिंह जी, सज्जन वर्मा जेल में थे आज, वो भी जेल में थे। अब ये सब विषय आप लोगों का है खोजने का। वही भोपाल में अधिकारी और कर्मचारियों के आने जाने के समय को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग अब सख्त हो गया है। विभाग ने सभी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफिस में रहने के निर्देश जारी किए हैं। समय का विशेष ध्यान रखने का निर्देश देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अमरवाड़ा पहुंचे। जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही उपचुनाव को लेकर उनमें जोश भी भरा। जीतू पटवारी 29 जून तक अमरवाड़ा विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रत्याशी से मिलने ताली बजाकर उनका स्वागत कर ले। क्या कारण था ये सवाल तो बनता है। जय सेवा जोहार। सभी लोग हमारे ग्वालियर में रेत से भरे डंपर को रोकने का प्रयास करने पर रेत माफिया ने खनिज विभाग के अफसरों को कुचलने की कोशिश की। डंपर मालिक और चालक गाड़ी को ले गए। खनिज विभाग की टीम ने पीछा किया तो बड़ा गांव पुल के नीचे सर्विस रोड पर डंपर खड़ा कर लोहे की रॉड निकालकर खनिज अधिकारी और उनकी टीम पर हमला किया। बात यहां भी खत्म नहीं होती। रेत माफिया ने बंदूक के दम पर सड़क पर ही डंपर में भरे रेत को डंप
किया और सबके सामने से डंपर लेकर फरार हो गया। घटना बड़ागांव पुल के नीचे सर्विस रोड मुरार की है। आरोपी डंपर मालिक ने अफसरों को गोली मारने की धमकी भी दी। डंपर पर लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर भी फर्जी निकला है। खनिज विभाग के अफसरों ने मुरार थाने में FIR दर्ज कराई है। अरे झूमे झपटी कर रहे हैं, तुम तो बैठो जा, उसकी वीडियो बना लो, न्यूज़ पैदा कर रहा था। जबलपुर से गायों का कंकाल मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कटंगी के पास करीब 50 से ज्यादा गाय और गौवंश के सिर और अन्य अंग मिले हैं। बताया जा रहा है कि अवशेष कई दिन पुराने हैं। गायों का इतनी बड़ी संख्या में अवशेष मिलने की सूचना पर हिंदू संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कटंगी थाना पुलिस को सूचना दी गई। कटंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटंगी नगर से सटे हुए पहाड़ पर अंग बरामद किए गए हैं। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। थाना कटंगी क्षेत्र में कटंगी नगर के समीप एक पहाड़ जंगल में एक विस्तृत क्षेत्र में बहुत सारे जानवरों के अवशेष मिले हैं और अभी उसमें डॉक्टर्स के थ्रू उनका PM कराया गया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आगे कार्रवाई कर रही है। प्राथमिक तौर पर क्या लग रहा है सर? देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार के जानवर दिख रहे हैं और उनके जो स्केलेटन मिले हैं वो काफ़ी पुराने हैं और उसमें अभी जांच करके आगे कर। टीकमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों ही पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले। दोनों ही ओर से एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए गए। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज किया है। मामला मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के नंदनवारा का है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वहीं श्योपुर में प्रशासन और पुलिस की टीम पर गांव वालों ने पथराव कर दिया। प्रशासन की टीम सुंडी गांव के विस्थापितों को जमीन देने आई थी, जहां विठलपुर के गांव वालों ने जमीन पर खेती का हवाला देते हुए पथराव कर दिया। मामला देहात थाना क्षेत्र के विठलपुर गांव का है। पन्ना में 50 लाख के गबन के आरोप में तत्कालीन अजयगढ़ BMO डॉक्टर KP राजपूत सहित 4 पर FIR दर्ज की गई है। अकाउंटेंट वीरेंद्र अहिरवार, कर्मचारी दीपक राजपूत, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर रुचि शर्मा ने CHC अजयगढ़ के साथ मिलकर गबन किया था। इन सभी ने सफाई कर्मियों के हिस्से की 50 लाख रुपए की रकम फर्जी तरीके से निजी खातों में डाल ली थी। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन जिला महामंत्री सुरेश कुमार यादव की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। ये ऐसी शिकायत पुलिस थाने पे प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा जो पूर्व BMO थे स्वास्थ्य केंद्र के, उनके द्वारा जो है वो गलत तरीके से शासकीय धन का जो है वो गबन किया गया है। जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो SP सर के निर्देशन में ये जांच शीघ्र ही SDOP साहब को दे दी गई और जब उन्होंने जाँच की तो जांच उपरांत इसमें थाना अजयगढ़ में ये कायमी हुई है, जिसमें 420 के तहत कायमी की गई है और मामला जो है वो अभी विवेचना में है। जबलपुर में बेरहम बहू का CCTV फुटेज सामने आया है। बहू सास पर थप्पड़ बरसाते दिख रही है। सास इसके बाद गेट से निकल जाती है। ये वीडियो तब आया है जब कल ही बिलासपुर हाईकोर्ट ने माता पिता की देखभाल का दायित्व बेटे का है इसे लेकर फैसला सुनाया है। लेकिन कई घर ऐसे हैं जहां बुजुर्ग माता पिता के साथ बदसलूकी की जाती है। जबलपुर के सुदामा नगर का यह मामला है। आरोपी की बेटा गौतम विश्वकर्मा और बहू करुणा कई साल से अपनी मां से मारपीट कर रहे हैं। उधर SP ने मामले में थाने को निर्देश दिए, साथ ही परिवार की काउंसलिंग कराने की बात भी कही। बुजुर्ग महिला की इस तरह की शिकायत आई है, थाना प्रभारी मदन मोहन को निर्देशित किया है कि सबसे पहले वो अपने स्तर पर सुने। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी एक आलंबन शाखा है, वहाँ पर भी बुलाकर इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी और किसी भी तरह कोई भी परिवार किसी बुजुर्ग को तंग ना करे ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। कौन है जो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं? वो बेटे बहू पर ही आरोप लगा रहे हैं और इस मामले का निराकरण उसको सुरक्षित घर पहुंचाया जाएगा। खंडवा में हिस्ट्री शीटर विनोद उर्फ चूहा को गिरफ्तार कर लिया गया। विनोद के कोर्ट ने कुकर्म के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। विनोद को जमानत पर बाहर आते ही उसने अपने 22 साल के दोस्त के साथ अप्राकृतिक कृत्य
पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। विनोद उर्फ चूहा पर 15 मामले चल रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस अब उसकी जमानत को निरस्त करने के लिए कोर्ट से निवेदन करेगी। विनोद है, उसको उर्फ चूहा भी बोलते हैं, तो उसने एक परिचित व्यक्ति को साथ में ले जाकर शराब वराब पिलाई और वहाँ पे उसके साथ प्रकृति के विरुद्ध क्रिया की है। उस पर से उसकी शिकायत पर से अपराध धारा 370 का कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। पंडित प्रदीप मिश्रा का विरोध जारी है। उज्जैन में साधु संतों ने राधा रानी और तुलसीदास पर उनकी टिप्पणी पर विरोध जताया और एक बैठक भी की। प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी पर प्रेमानंद महाराज ने भी आपत्ति जताई थी। प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसी बात कही, उनका कम से कम आपने यह विरोध प्रदर्शन किया, इससे कोई समस्या हल नहीं होगी, लेकिन उनकी कथा हमारे क्षेत्र में होना ही नहीं चाहिए और अगर कोई कराता है तो वहां जाकर हमें विरोध करना चाहिए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो गया है। कैलेंडर के हिसाब से अगस्त में बीएससी, एमएससी, पीबी, बीएससी और जीएनएम की परीक्षाएं होंगी। हाईकोर्ट से छूट मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया। डिप्टी सीएम ने परीक्षा कैलेंडर की समीक्षा करते हुए परीक्षाएं जल्द कराकर नतीजे घोषित करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षाओं के आयोजन से बीएससी नर्सिंग, एमएससी, पीबी, बीएससी साल 2019-20 के लगभग 20,000 छात्र, साल 2020-21 के 30,000 छात्र और साल 2021-22 के 10,000 छात्र और 2022-23 के 10,000 छात्रों को फायदा होगा। जीएनएम, एएनएम कोर्स के भी छात्रों को फायदा होगा। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेंद्र, ये कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है? बिल्कुल, ये देखिए मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिस तरीके से लंबे समय से जो गड़बड़ी की शिकायतें हुई थी, उसके बाद जो मामले की जांच चल रही थी उसके चलते परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, ऐसे में छात्र जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे थे। जिस तरीके से दो दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि जल्द ही नर्सिंग की परीक्षाएं कराई जाएंगी, तो ऐसे में अब परीक्षा का कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है और 2019-20 और 2021-22 के लगभग 10,000 छात्रों जो है उनकी परीक्षाएं की जाएंगी, जिसमें जीएनएम, बीएससी और एमएससी नर्सिंग की जो परीक्षाएं हैं वो उनका कैलेंडर जारी कर दिया गया है और अब जल्द ही ये परीक्षाएं जो है वो शुरू की जाएंगी। तो मध्य प्रदेश के जो छात्र थे जो लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी एग्जाम हो, क्योंकि बड़े लंबे समय से उनकी परीक्षाएं 8 अगस्त से जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर की एग्जाम शुरू होंगी जो 27 अगस्त तक चलेंगी। इसके साथ ही एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं 13 अगस्त से शुरू होंगी जो 27 अगस्त तक चलेंगी। तो इस तरीके से 6 अगस्त से 2 सितंबर को आखिरी पेपर होगा जो बीएससी फर्स्ट ईयर का, पीजी का होगा। तो इस तरीके से तमाम जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो एएनएम हो, जीएनएम हो, एमएससी हो और बीएससी, इन तमाम जो विषयों के पाठ्यक्रम थे उनके अब कैलेंडर जारी कर दिया गया है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो नर्सिंग स्टूडेंट है उनके लिए एक राहत की खबर कही जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। वहीं ग्वालियर और दतिया में भी जबरदस्त बारिश हुई। ग्वालियर शहर में शाम 4 बजे से ही तेज बारिश शुरू हुई जो कई घंटों तक चलती रही। कई जगहों पर पानी भर गया तो वहीं दतिया में दिन भर भीषण गर्मी पड़ने के बाद राहत की बारिश हुई। जिले में हवाओं के साथ तेज बारिश हुई तो लोगों ने गर्मी से थोड़ी राहत महसूस की। खबर बैतूल से है, जहां वन परिक्षेत्र मुलताई के बाड़े गांव में करीब 50 फीट गहरे कुएं में एक मोर गिर गया, जिसके बाद किसानों ने सर्प मित्र की मदद से कुएं फंसे मोर को बाहर निकाला। रेस्क्यू का वीडियो सामने आया जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से मोर को बाहर निकाला गया। इस घटना में मोर को चोट भी आई है, जिसके बाद वन विभाग ने मोर को अपने पास रखा है।